सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों तो एक है। उसके बाद आए आशाएं, आखिर में हम दोनों सोचे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्चुअल फ्यूजन। दोस्तों, डोरेमोन को कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। इसके अजीबोगरीब गैजेट्स और नवप्रता के साथ दिल को छू लेने वाली दोस्ती ने इसे वर्ल्ड वाइड फेवरेट कार्टून बना दिया है। डोरेमोन को तो हम सब देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर डोरेमोन का कलर ब्लू ही क्यों है, और डोरेमोन नोबिता के कबर्ड में क्यों सोता है, और ये जो जियान, सुनी और शिज़ुका है, इनके फादर कौन है और इन्हें क्यों नहीं दिखाया जाता, और क्या नोबिता को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डोरेमोन कार्टून के 10 ऐसे सीक्रेट्स और फैक्ट बताने वाली हूँ जिन्हें सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप नोबिता और डोरेमोन के रियल फैन हैं तो मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में तो आप लोग भूल जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, डोरेमोन हमेशा ब्लू कलर का नहीं था, बल्कि वो भी बाकी फ्यूचर रोबोट्स की तरह येलो कलर का ही था। अगर आप डोरेमोन की वो एपिसोड देखें जिसमें डोरेमोन को बनाया गया था, तो आपको पता चलेगा कि डोरेमोन असल में येलो कलर का ही था। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जब डोरेमोन को बनाया गया तो उसमें कुछ खराबी आ गई, और शिवाशी के पेरेंट्स ने इसे, शिवाशी जो के नोबिता का ग्रैंडसन है, उसकी लुक आफ्टर के लिए रख लिया। इसके बाद इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक दिन शिवाशी डोरेमोन का एक स्कल्पचर बनाता है और एक रोबोट माउस इसके कान खाने को कहता है, लेकिन रोबोट माउस इसकी इन्फॉर्मेशन को सही से समझ नहीं पाता और वो जाकर असल डोरेमोन के कान खा लेता है। और कान ना होने की वजह से डोरेमोन बहुत ज्यादा रोता है, और इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा रोने की वजह से डोरेमोन का कलर येलो से ब्लू हो जाता है। नंबर 2, दोस्तों, आप सबको अपने नाम का मतलब तो पता होगा, लेकिन क्या आपको डोरेमोन के नाम का मतलब पता है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तो दोस्तों, डोरेमोन का नाम दो वर्ड से बना है, डोरा और इमोन। डोरा का लफ्ज डोरा याकी से लिया गया है, जो कि एक जैपनीज पैनकेक का नाम है, और इमोन का लफ्ज जैपनीज लैंग्वेज में बॉयज यानी लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह डोरेमोन का मतलब हुआ पैनकेक बॉय। वैसे देखा जाए तो डोरेमोन को डोरा केक जितने पसंद है, इसके नाम का यही मतलब होना चाहिए था, पैनकेक बॉय। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी अपने नाम का मतलब जरूर बताएं। नंबर 3, दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर डोरेमोन कबर्ड में ही क्यों सोता है, मतलब वो नोबिता के साथ भी तो सो सकता है ना। तो दोस्तों, इसकी रीजन ये है कि डोरेमोन को अपना एक सेपरेट रूम चाहिए था, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी रोबोट्स हैं उन सबके पास अपना अपना सेपरेट रूम होता है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि नोबिता का घर कितना छोटा है, इसलिए डोरेमोन कबर्ड में सोता है, और कबर्ड इसके लिए एक मिनी रूम की तरह है जहाँ पर वो आराम से सो सकता है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि चाहे इंसान हो या रोबोट, हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी चाहिए होती है। नंबर 4, दोस्तों, आप लोग भी सोचते होंगे कि नोबिता को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाता है, क्योंकि जब भी हम लोग डोरेमोन देखते हैं तो नोबिता को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहा हो। तो दोस्तों, जापान में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर 1 से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक आपको सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाता है, तो शायद इसी वजह से नोबिता को भी एक ही टीचर पढ़ाता है। नंबर 5, दोस्तों, जैसे हम सब लोगों की बर्थडे होती है, तो डोरेमोन की भी कोई ना कोई बर्थडे डेट तो होगी ना। तो दोस्तों, डोरेमोन की बर्थडे डेट है 3 सितंबर। जिस एपिसोड में डोरेमोन को बनाया गया था, वहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ भी बताई गई थी, जो कि थी 3 सितंबर 2112। नंबर 6, दोस्तों, डोरेमोन कार्टून में हमें सिर्फ नोबिता के फादर ज्यादातर दिखाए गए हैं, लेकिन सुनियो, शिज़ुका और जियान के फादर ना होने के बराबर दिखाए गए हैं। असल में जापान में ज्यादातर बच्चों की लुक आफ्टर उनकी मदर करती हैं, और फादर जॉब्स करते हैं और अक्सर घर से दूर भी होते हैं। इसी चीज को इन्होंने इस सीरीज में भी दिखाया है। अगर बात करें इनके फादर की, तो शिज़ुका के फादर को कुछ ऐसा दिखाया गया है, सुनियो के फादर को कुछ ऐसा, और जियान के फादर कुछ ऐसे दिखाई दिए गए हैं। नंबर 7, दोस्तों, डोरेमोन सिर्फ एक जैपनीज आइकन ही नहीं, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड फेवरेट कार्टून भी है। इस सीरीज को मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और 35 से ज्यादा कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट किया गया है। यही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने की वजह से इसे गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। नंबर 8, दोस्तों, आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिर नोबिता किस क्लास में पढ़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताती चलूं कि नोबिता 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और 5th स्टैंडर्ड में होने की वजह से नोबिता को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाता है। नंबर 9, दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी डोरेमोन सीरीज में सब बच्चों के बैग एक जैसे दिखाए गए हैं, तो क्या वाकई में जापान में सब बच्चों के बैग एक जैसे होते हैं? तो हाँ, जापान में सब बच्चों के बैग तकरीबन एक जैसे होते हैं, और वहाँ पर एक बैग बहुत ज्यादा फेमस है जिसे रेंडो सीरो बैग्स कहा जाता है। नंबर 10, दोस्तों, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि डोरेमोन के पॉकेट में आखिर कितने गैजेट हैं। तो दोस्तों, पूरी डोरेमोन सीरीज में डोरेमोन के 4500
100 से ज्यादा गैजेट दिखाए गए हैं, जिनमें एनीवेयर डोर और टाइम मशीन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको डोरेमोन का कौन सा गैजेट चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो डोरेमोन का मेमोरी ब्रेड गैजेट चाहिए, क्योंकि मेरे एग्जाम होने वाले हैं। बस इसे बुक पर लगाओ, खाओ और सब कुछ याद हो जाए। तो दोस्तों, ये थे डोरेमोन कार्टून के कुछ ऐसे फैक्ट जो कि शायद आप नहीं जानते थे। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।